गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी रीडर। टुडे आई विल टीच यू लेसन वन। अच्छा लगता है सुबह उठना, बाग में जाना, फिर फूलों से बातें करना। सच कहता हूँ मम्मी, मुझको बहुत बहुत अच्छा लगता है। यानी सुबह उठना और उठ के बाग में जाना, फिर फूलों के साथ बातचीत करना। बातचीत करने से मतलब है कि फूलों के साथ रहना। सच कहता हूँ मम्मी, मुझको बहुत अच्छा लगता है वो। तरह तरह के रंग बिरंगे, ये कितने मनमोहक लगते हैं। संग हवा के लहराते जब, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये तरह तरह के फूल जो होते हैं, कलरफुल रंग बिरंगे, ये बहुत ही मन को मोहने वाले मनमोहक लगते हैं। और हवा के साथ जब ये लहराते हैं तब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। होते नहीं उदास कभी भी, जीवन भर हंसते रहते हैं। रेशम जैसी छुअन मुलायम, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये कभी भी उदास नहीं होते हैं और अपने पूरे जीवन भर मुस्कुराते रहते हैं। और इनकी जो छुअन है वो रेशम के जैसी मुलायम और सॉफ्ट होती है। इंद्रधनुष से पंख वाली सतरंगी, क्या खूब तितलियाँ। फूलों पर मंडराना इनका बहुत बहुत अच्छा लगता है। जो तितलियाँ होती हैं, तितलियों के जो पंख होते हैं, विंग्स, वो कलरफुल होते हैं ना, ढेर सारे कलर के होते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही तितलियों के पंख भी रंग बिरंगे होते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, यानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों पर मंडराना इनका बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इन पंखों के साथ फूलों पे मंडराना मुझे बहुत पसंद आता है। खुशबू की तो कुछ पूछो मत, खुशबू की तो कुछ मत पूछो, सबकी अपनी अपनी खुशबू। रस भीनी खुशबू में खोना बहुत बहुत अच्छा लगता है। यानी खुशबू की तो मत पूछिए कि इनकी अपनी अपनी सारे फ्लावर्स की अलग अलग खुशबू होती है। और रस भीनी यानी रस से भरी हुई जो खुशबू होती है वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उस खुशबू में खो जाता हूँ। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, नाउ एक्सरसाइज टाइम। यू डू एक्सरसाइज योर सेल्फ एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कॉन्टैक्ट मी। ओके, टेक केयर।